Hi, this is Rinku Dhawan and I'm on Filmy Beat. Please keep watching Filmy Beat and keep watching me. उतना सारा सपोर्ट दीजिए जितना आपने मुझे मेरे 30 साल के करियर में दिया है, बिग बॉस में दिया है, थ्रू लव और थ्रू हेट. एंड आगे भी मैं आप ही के सपोर्ट से और प्यार से और हेट से आगे बढ़ती रहूँगी. कंटिन्यू रखिएगा. थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. अंकिता को क्यों जरूरत पड़ी है सुशांत के बारे में रेफर करने की? यू नो आई हैव नो क्लू. टीआरपी के लिए, फुटेज के लिए या अपने ईशा प्रोवोक कर रही है. वो चाहती है कि वो अग्रेसिव हो, वो चाहती है अपना आपा खो बैठे, वो चाहती है कि अभिषेक ऐसा कुछ करे कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए. पहले ने वर्ड को ट्विस्ट किया था विक्की जैन ने. इन व्हाटएवर कॉन्टेक्स्ट दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड 1000 टाइम्स बाय वेरियस कंटेस्टेंट्स. मुनव्वर बायस्ड हूं मैं और वो मेरा दोस्त है एंड आई लव हिम. मनारा ड्रामा क्वीन. टोटली झूठ. टोटली अभिषेक. मैं जट यमला पगला दीवाना बट मेरा मतलब आई लव हिम, ही इज क्यूट. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभी रणसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. बिग बॉस में जब भी जितने भी कंटेस्टेंट्स जाते हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होता है वो ये होता है कि क्या ये कंटेस्टेंट डिजर्विंग है या नहीं है, ये अच्छा खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, इनको अब निकल जाना चाहिए. ये सब चीजों को लेकर सबसे ज्यादा इस सीजन में जिसका डिस्कशन हुआ है वो है रिंकू धवन जी. आपका वेलकम फिल्मी बीट में. तो डिस्कशन ज्यादा क्या था, इनको निकल जाना चाहिए. आपको क्या लगता है बाहर आकर? मिक्स फीलिंग्स मुझे मिली है एंड आई थिंक दोनों बहुत जरूरी हैं. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो चाहते थे कि मुझे रहना चाहिए और मैं डिजर्विंग हूँ, थैंक यू, क्योंकि दिस इज द रियल रिंकू धवन. और जिन्हें लगा यार ये क्या कर रही है इसे तो निकल जाना चाहिए, सॉरी ये रिंकू धवन है, ये कोई किरदार नहीं था आपके सामने. किरदार मैंने अपने 30 साल के करियर में प्ले किए हैं और आगे भी करूंगी और मुझे वहाँ आप सबका सपोर्ट चाहिए जो मुझे प्यार करते हैं और जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत नापसंद किया मेरी पर्सनल पर्सनालिटी को लेके. सॉरी आई वॉज अ बिट बोरिंग फॉर यू बट इट्स ओके. जब आपकी मॉम का इंटरव्यू हमने किया था तो उनसे पूछा था कि जितनी स्ट्रांग आप लग रहे हो घर के अंदर वो यू नो वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो चीज़ें मतलब क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, तो उनका तो यही आंसर था कि जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ें संभाली है घर के बाहर जो भी चीज़ें हुई है बस वही जो रिंकू बाहर है वही अंदर है. हाँ, माय एंटायर फैमिली जब मैं वापस भी आई हूँ और मैं अपने परिवार से मिली हूँ सो दे ऑल सेड दिस कि तू जैसी थी तू वैसे ही रही, कि मतलब वो बेफजूल की भसड़, बेफजूल के मुद्दे, बेफजूल की बातें ना वो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में करती हूँ. तो फिर अगर मैं एक रियलिटी शो, रियलिटी रियल पर्सनालिटी शो पर गई हूँ तो मैं वहाँ पर क्यों कुछ फेक करूँगी, मुझे वहाँ डायलॉग्स नहीं मिलते थे बोलने के लिए. तो दैट वॉज मी, यू नो दैट इज माई स्ट्रेंथ, दैट इज नॉट माई वीकनेस. यू नो बेफजूल की बातें, किसी को रोना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये मेरी स्ट्रेंथ्स या मेरी वीकनेसेस दोनों नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ. जहाँ जहाँ पर आपको बोलना था, आवाज़ उठाना था, हमने देखा है आपने बोला है, उठाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना और हर किसी के मुद्दे में घुसना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर में लंबे समय तक टिकने के लिए? हाँ, ये ज़रूरी, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, हर किसी के मुद्दे में बोलना, चीखना चिल्लाना, बेफजूल बोलना, बेमतलब की बात करना, ये सारे ट्रेट्स चाहिए, या तो होंगे या तो लेकर आओ अगर आप शो में रहना चाहते हो. ये ट्रेट्स मुझ में है नहीं और ये मैं शो में रहने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती थी तो मैंने नहीं किया. पर उसके बावजूद 15 हफ्तों की जर्नी में मैं 11 हफ्ते रही, आपकी नफरत आपके प्यार दोनों ने टिकाए रखा. लेकिन जो इस तरीके से खेल रहा है घर में आपको क्या लगता है कौन है वो? सारे के सारे ही हैं. मुझे बताइए कौन ऐसा शख्स वहां पर है जो एक्चुअली ऑनेस्ट ट्रू पर्सनैलिटी है वहां पे. अंकिता ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, खुद उनके अल्फाज हैं, मैं अपने आप को बदल रही हूँ. जो शोरगुल आपने उनका पहले दो हफ्ते में देखा, सडनली वो शांत हो गई. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे आप मैम हैंडल करती है, जैसे आप इतने अच्छे से बात करती, तो मैंने कहा मैं तो वैसे आने से ही हूँ, मतलब मैंने कुछ अपने आप को बदला नहीं, जैसे मैं थी वैसे ही मैं हूँ. व्हाई यू चेंजिंग योरसेल्फ, जो तुम पर्सनैलिटी हो वही दिखाओ. बट मे बी उनको थेरेपी रूम में बुला के कुछ ज्ञान बांटा होगा कि तुम बड़ी खराब दिख रही हो. बट देन फिर कितनी देर तक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा, प्रिटेंड करेगा, कहीं ना कहीं तो फिर असलियत सामने आएगी ना. बट क्या आपको ऐसा लगता है अंकिता के साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले वो कुछ और बाद में कुछ और, थेरेपी रूम में जाकर उन्हें जब बोला कि अगर पहले दो तीन एपिसोड जो हमने अंकिता का देखा है, जो मैंने उस घर में रह के देखा है,
एंड सडनली मेरे ही एक दिन अल्फाज थे कि अंकिता बड़ी शांत हो गई है, क्या हुआ? तो पर्सनैलिटी चेंज ही था ना. और फिर जब अंकिता और मेरी बात भी हुई तब भी अंकिता के ही अल्फाज थे कि आई एम यू नो चेंजिंग माई सेल्फ फॉर द गुड. वाई आर यू चेंजिंग योर सेल्फ? बट क्या अपने आप को सही, अपने तरीके को अगर हम कोई गलत तरीके से कुछ करें उसे सही करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, आप सीखते हो. पर ये तो शो पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी का है ना. ठीक है, तो फिर रियल क्या है? कहाँ है रियल अंकिता? एटलीस्ट आपने मुझे जो देखा, हाँ मैं बोरिंग थी भाई, भाई यही मैं हूँ, हाँ मैं इंटरेस्टिंग थी, हाँ भाई यही मेरा इंटरेस्ट है. तो आपको तो चेंजिंग पर्सनैलिटी चाहिए. फिर अभी अंकिता ऐश्वर्या और नील के साथ लड़ाइयाँ कर रही है, तो देन वेयर वॉज आई प्रूव्ड रॉन्ग? आई टोल्ड हर, आई सेड थैंक यू फॉर प्रूविंग मी राइट कि यू आर नॉट व्हाट यू आर शोइंग. अब क्योंकि अंकिता की बात हो रही है, बाहर ये सारी बातें भी हो रही है कि अंकिता जो है सुशांत सिंह राजपूत का नाम बार बार लेती है, जो उनकी लव लाइफ थी उसके बारे में काफ़ी डिस्कस करती है, कोई और नहीं पूछता लेकिन वो खुद से ये चीज़ें बताती है. आपका क्या कहना है? सबको लगता है कि ये शायद टीआरपी उनके लिए है कि उनको ज़्यादा दिखाएं. है ना, मैं वो इंसान नहीं हूँ, सबका एक पास्ट होता है, उस पास्ट के बारे में बात करना या नहीं बात करना एक बहुत पर्सनल चॉइस है, एक बहुत पर्सनल कंफर्ट है. तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ ऑब्वियसली आपकी कोई प्राइवेसी एज सच है नहीं, तो उस बारे में आप क्यों बात कर रहे हो? यू नो इतना क्या ओवरवेलमिंग हो गया? यू हैव अ गुड लाइफ, यू हैव अ गुड मैरिड लाइफ, तो आप क्यों उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी? कौन सा ऐसा कनेक्टिंग चीज़ हो गया कि आपको वहाँ ले गया? Why are you talking about it? मेरा 30 साल का करियर है इंडस्ट्री में, मैंने तो नहीं बोला कुछ भी, चाहे अपने काम के बारे में भी. मतलब हाल फिलहाल मुझे अनुराग ने बोला आप 30 ईयर से इंडस्ट्री में, लाइक हाल फिलहाल. एंड आई वाज लाइक, हाँ बोला आपने कभी बताया नहीं. मैंने कहा पर मैं बताऊं क्यों? इसमें मतलब इट इज, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड ऑफ वर्क, बट आई एम हियर बिकॉज यू वॉन्ट टू सी मी. मेरा काम तो आप जानते ही हैं, जो जानते हैं. तो अंकिता को क्यों जरूरत पड़ी है सुशांत के बारे में रेफर करने की? यू नो आई हैव नो क्लू. अगर उसका मतलब ये निकलता कि टीआरपी के लिए, फुटेज के लिए, या अपनी, आई डोंट नो, इट्स नॉट मी, आई डोंट नो. घर के बाहर तो बहुत लोगों को लग रहा है, पर घर के अंदर से आप देख कर आए, आपको लगता है अंकिता के लिए शो बायस्ड है? ऑफकोर्स है, बिग बॉस बायस्ड है, उन्होंने ऐलान किया हुआ है खुद नहीं. और बहुत चीज़ें अंकिता को लेकर डिस्कस नहीं होती है वीकेंड का वार में जो होनी चाहिए, आपको ऐसा फील हुआ? आपको क्यों ऐसा फील हुआ? जो अंकिता के अगेंस्ट चीजें जा रही होती है, रीजन बीइंग अंकिता के अगेंस्ट जो चीजें जा रही है वो डिस्कस नहीं हो रही. हाँ वो क्यों प्राइवेट रूम, थेरेपी रूम्स में डिस्कस होती है? होती है, अभी हम क्या बोले, बायस्ड है बिग बॉस, खुलेआम बोला हुआ है, तो आप क्या चैलेंज करोगे? और हमारी तो कहीं कहीं गलती नहीं होती, हमें तो बुला लिया जाता है, मैं तो सोचता हूँ अब मेरा नाम क्यों आया. ठीक है, जो है सो है यार, एक नैरेटिव होता है हर चीज का, नैरेटिव सेट है, वो हो रहा है. क्योंकि आप अभिषेक से क्लोज रही हैं घर के अंदर, और आपके घर के बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा जो चीज बाहर आ रही है वो ये है कि अभिषेक के मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बातें हो रही होगी. ईशा ने झगड़ा करते हुए काफी बार ये चीज बोली है कि तुझे याद ना तू हॉस्पिटल में था या तू मेंटल था. वो यस, व्हाट इज ईशा डूइंग? ईशा प्रोवोक कर रही है, प्रोवोक कर रही है, वो चाहती है कि वो अग्रेसिव हो, वो चाहती है अपना आपा खो बैठे, वो चाहती है कि अभिषेक ऐसा कुछ करे कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए. वो अभिषेक का एक ऐसा साइड सामने ला रही है जो अभिषेक नहीं, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि उनका एक ऐसा साइड. तुम क्यों बार बार वो पास्ट की चीजें लेके उसे पोक कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई मुद्दा नहीं है आज, क्योंकि जब तक तुम अभिषेक को पोक नहीं करोगे तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, ना ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास कुछ करने के लिए है. तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें ही इस्तेमाल करके तुम्हारे कमर पर हाथ डाल के तुम्हें किस करते हो, बोल रहे जल रही है जल रही है. तुम कर क्या रहे हो शो में? या तो दूसरों के मुद्दे में बकवास करते हो जिसका सिर पैर तुम्हें पता नहीं होता, सिर्फ या क्या 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 बोलते रहो, या अभिषेक को पोक करो. और अगर मैं अभिषेक को ये बोलती हूँ कि अभिषेक नहीं 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 रिएक्ट करना, नहीं रिएक्ट करना, तो मैं कहाँ गलत हूँ? इसको बायस बोलते हैं या इसे सेंसिबिलिटी बोलते हैं? और जो ईशा कर रही है वो बहुत सेंसिटिव कर रही है, वो बहुत सेंसिबल बिहेव कर रही है. तो फिर है ईशा घर में, झेलो उसे. और अभी जो मुद्दा हुआ था जहाँ पर अभिषेक ने
पेलने वाली बात बोली थी अंकिता और विक्की को, बात को पेलने वर्ड को ट्विस्ट किया था विक्की जैन ने, अभिषेक ने नहीं किया था, क्योंकि उस घर में पेलना, पेल दूंगा, पेला, पेलू, व्हाटएवर, इन व्हाटएवर कॉन्टेक्स्ट दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड 1,000 times बाय वेरियस कंटेस्टेंट्स. आई डोंट थिंक दे मेंट दैट वी आर गोना फक यू. दे मेंट कि मैं तुझे रुला दूंगा, मैं तुझे पीट दूंगा, तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे पेल दूंगा. तो उस दिन विक्की ने क्यों इस शब्द को इंटेंशनली उसके मतलब को ट्विस्ट करने की कोशिश की, नोइंग द फैक्ट कि अभिषेक ने बोला तुझे और तेरी बीवी को पेल दूंगा मैं इस शो में, तो जब तुम्हारी बीवी उसमें, तुम कर क्या रहे हो? तुम लोग अपने स्पाउस को उस चीज में यूज कर रहे हो जहां तुम उसी को डिग्रेड कर रहे हो. तुमने उस शब्द को इतनी गंदे तरह से ट्विस्ट किया जस्ट बिकॉज योर वाइफ्स नेम वाज इन. आर यू, डू यू इवन हैव द ब्लडी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू डू दैट? अंकिता ने भी इस वर्ड को यूज करके कम से कम 5-6 बार तो ये बोला ये कैमरे के सामने, तो कि उसने नहीं कि भाई एक चीज को अभिषेक को कॉर्नर करने के लिए, अभिषेक को एग्रेवेट करने के लिए तुम साला अपने ही बंदों को नीचा गिरा रहे हो. ये तुम्हारी रिस्पेक्ट, ये तुम्हारा कल्चर, ये तुम्हारी वैल्यूज है लाइफ में. और अगले दिन मुनव्वर की अदालत में आप खुद अपने दलील पेश करते समय खुद बोलते हैं कि मुनव्वर ने अंकिता को एक कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार पेला. What the fuck are you guys doing? This is your dignity. This is your honor. This is the respect you show towards women. This is what you like as an audience. It's all yours. May the best one win. लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी तब आयशा ने कमेंट किया था आपके ऊपर कि जब ये किसी और ने अगर बोला होता तो रिंकू जी पेलने वाली बात, अगर ये किसी और ने बोला होता तो रिंकू जी इस तरीके से नहीं बोलती जिसने प्यार से ही अभिषेक को समझा रही है. प्यार से? अरे भाई वो एपिसोड देख लो, प्लीज जाके वो एपिसोड देख लो. मैं कौन सा प्यार विक्की और अभिषेक के बीच में खड़ी होके मैं कौन सा प्यार दिखा रही हूँ? कोई स्कोप है? किधर से चिल्ला रहा है, किधर से चिल्ला रहा है? कौन सा प्यार मैं दिखा रही हूँ? और उस पॉइंट के बाद तो मैंने अभिषेक से इस बारे में बात तक नहीं की क्योंकि मैं खाना बनाने चली गई और अभिषेक ने बोला मैं सॉरी नहीं बोलूंगा. अच्छा तेरी मर्जी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. मैं उस शो की पपेटियर नहीं थी, विक्की जैन था. मैं लोगों को कठपुतलियों की तरह नहीं नचा रही थी, विक्की नचा रहा था. मैं आपको बोल सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ, करना नहीं करना आपका काम है. और डूड मैं उसकी माँ नहीं हूँ. अभिषेक इज अ ग्रोन अप मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गुड एंड बैड बिहेवियर. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आप पेलो, आप जो मर्जी करो, आप लड़ाई करो, जहां मुझे घुसना होगा घुसूंगी. मुझे अरुण जी ने बोला आप क्यों नहीं जा रही, मैंने कहा आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों बैठे हो? आपको बुरा लग रहा है ना, आप जाइए ना, आप भी तो तमाशा देख रहे हो. कन्वीनियंस के हिसाब से लोग करते हैं, एटलीस्ट मैं कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं करती. सॉरी यार, पर बिग बॉस के ऑडियंस को ये लड़ाई चाहिए, देखना चाहते हैं वो ये लड़ाइयां. मैं क्यों जाके डिफ्यूज करूं? बिग बॉस बोलेंगे सारा हम ये एक तो लड़ाई करते हैं या के डिफ्यूज करवा देती है. लड़ो भाई, ऑडियंस को ये देखना है, दो कंटेंट दो. और अरुण जी जो वहां बैठे बैठे मुझे बोल रहे हैं, वो ये बोल रहा है अंकिता और विक्की को, अंकिता जी को बोल रहा है. आपको बुरा लग रहा है अरुण जी? हाँ तो जाओ ना, आप क्यों बैठ के तमाशा देख रहे हो? कम ऑन, अ लॉट ऑफ शिट हैपेंस इन द फकिंग हाउस यार, नॉनसेंस. सिर्फ इतना इतना कट कट करके एडिट करके जो दिखता वो ही नहीं दिखता. और अभिषेक ने बाद में आके सॉरी भी बोला, और अभिषेक ने बोला मैंने सॉरी बोला, मैंने बोला मैंने सुना, कहता आई डिडंट मीन इट, आई सेड आई नो इट. मैं क्या करूं? मैं क्या उसे उठक बैठक करवाऊं? वो मुझे बोलता था आप मुझे बोला मत कीजिए, मैं नहीं सुनूंगा. मैंने कहा मत सुन, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी, करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है. I'm not responsible for anybody except for my conduct and my behavior. I'm not responsible. पहले डबल एविक्शन होता है, आप बाहर जाते हो, नील को बाहर किया जाता है. उसके बाद सरप्राइज एविक्शन होता है जिसमें अनुराग बाहर जाते हैं. लेकिन जहाँ जितना हम सुन सकते हैं और जो अपनी स्टोरीज में अनुराग ने पोस्ट किया, अनुराग का ये कहना है क्योंकि अगर वोटिंग के अकॉर्डिंग शो वाले जाते तो मैं जीतता, मेकर्स ने मुझे इसलिए निकाला है इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाकर. आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि एक इंसान जो 10 हफ्ते तक सो रहा था उसे शो जीतना चाहिए, इररिलेवेंट ऑफ व्हाटएवर हिज स्ट्रेंथ इज? क्या आप चाहती कि ऐसा इंसान जीते? अरे इनकी बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, पर ये सोते आए हैं 10 हफ्ते तक, तो उसे जीतना चाहिए?
या फिर मैं बोलूंगी कि उसे जीतना चाहिए जिसने वाकई बहुत कुछ दिया है शो को, विकी जैन। कौन चाहेंगे आपकी, जो सोता हुआ निकाला है 10 हफ्ते, या जो वेरियस लोग ने, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो मुनव्वर हो, चाहे वो विकी हो, इन्होंने किया है बहुत कुछ, सही गलत जो मर्जी आ कह लो, इन्होंने बहुत कुछ किया है भाई। तो किसे जीतना चाहिए, डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स कौन होने चाहिए, अनुराग या ये? अरे बोलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन एक और पॉइंट ये है, आंसर मी, ऑफ कोर्स जो शो में रहना चाहते हैं, योगदान दे रहे हैं, यस, लेकिन एक और पॉइंट लोग ये कह रहे हैं कि अनुराग जब निकलना चाहते थे तब उनको नहीं निकाला गया, लेकिन जब वो शो में रहना चाहते थे तब उनको निकाल रहे हैं। आपने सारे एपिसोड देखे हैं? तो जब अनुराग ने बोला मुझे जाना है, मैं पेनल्टी भरूंगा, आप दरवाजा खोलिए, तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि ऐसे नहीं होगा, वीकेंड के वार पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, देयर इज लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी डन, लीगल प्रोसेस होता है, योर टीम आर टीम विल सेट, बात होगी एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन, एंड वीकेंड के वार पे वो डिसीशन आ जाएगा। वीकेंड के वार आने में 3 दिन थे, 40 दिन नहीं थे। तो भैया हर चीज का, आपके अंदर जाने का प्रोसीजर है तो आपके बाहर आने का भी तो एक प्रोसीजर है ना, एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट लीगल। नहीं मुझे अभी जाना, ये क्या 3 दिन बाद खोलेगा, मेरे को तो अभी जाना है, फिर 3 दिन बाद ये, तो विक्की भी था, मैं भी थी, मैंने कहा यार अनुराग एक प्रोसेस होता है भाई, ये तुम मार्केट में नहीं गए हो, यू गॉट टू वेट, थिंग्स हैव टू बी डन, दे विल कॉन्टैक्ट योर टीम, द टू विल सिट, पेनल्टी भरनी है, ऐसा थोड़ी कि तू जेब से पेनल्टी निकाल के देगा, हाँ बेटा जा, फिर तो तुम 3 दिन में नहीं रुके ना, तुमने तो उसी रात या शायद अगले दिन बोल दिया बिग बॉस मुझे नहीं जाना, जब बाइक वाला, बाइक तो बहुत बाद में हुआ, आज अगर आपने बोला मैं पेनल्टी भरूंगा, इट इज बिग बॉस वर्सेस मी, मैं पेनल्टी भरूंगा, ये दरवाजा खोलिए, तो बिग बॉस ने बोला ये होगा, 3 दिन रुकिए, ये लीगल फॉर्मेलिटीज, हम मिलेंगे, बात करेंगे, फलाना, उस, अब मुझे वो टाइम फ्रेम याद नहीं है, उसी रात या अगले दिन, एज इन अगली शाम रात जो भी, अनुराग ने बोला मैं नहीं जाना चाहता बिग बॉस, आई वॉन्ट टू स्टे बिग बॉस, मैं अपना देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे, तो फिर पलटू कौन है इधर, हु डिडंट स्टैंड अप, तब भी मैंने अनुराग को बोला सारा तुम तो जो बोलते हो उस पर भी तुम अपना स्टैंड नहीं लेते, तुम बोले तुमको जाना तो खड़े रहो ना, क्या जल्दी है, खड़े रहते उस पर, 3 दिन की बात थी भाई, हो जाते तुम निकल जाते, निकलो भाई, जिसको मार, कई बार तुम्हें झगड़ों में नहीं पड़ती थी, मारो भाई कोई तो किसी को मारो, कोई तो भीड़ कम करो इस घर से, और मैं क्या, कितने लोग बैठे रहते थे, अबे मार दे, अरे तू मार दे यार, कोई तो मार दो, मैं तो अभिषेक को भी बोला भाई किसी दिन पेल ही देना, मैंने कहा अच्छा फिर दरवाजा खुल जाएगा, तू तो निकलेगा, या अरुण जी मारेंगे तो अरुण जी तो निकलेंगे, तेलगा वाला निकले ना, निकलो भाई भीड़ कम करो, मारता ही नहीं है, कई बार तो रुकना पड़ता है, शायद मार दे के बोलो, फिर ठंडे हो जाते थे सारे के सारे, मतलब वैसे बात करते हैं बट हाथ कोई उठाता नहीं, सब उठा नहीं सकता भाई, ऐसे नहीं कि उठा नहीं सकता, मतलब उठा सकते हैं बट नहीं उठाना चाहते, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द शो, चाहे फिर वो जो मर्जी हो, मैंने खानजादी पर हाथ नहीं उठाया, मैं तो कर देती पर मैंने नहीं उठाया, गई तो मैं वही इंटेंशन से थी उसके पास, वो अंकिता जो निकली और मेरा जो डिस्ट्रैक्ट हुआ, और मेरा सब कि वरना मैंने यूं खींच के ना उस सीढ़ियों से नीचे फेंक देना था उसे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बोला भी मैं खुल जाए दरवाजा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुनव्वर और आयशा के बारे में क्या कहना है, लोगों को कह रहे ये सोचना है कि फेक है, स्ट्रेटेजी बनाकर अंदर गए हैं, और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेट मी सेव योर एनर्जी एंड माइंड, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बना के, जितना मैंने सुना है, अब आप लोगों ने 2500 चीजें और सुनी होंगी क्योंकि बाहर की दुनिया में शायद बहुत चर्चाएं हो रही होंगी, पर मैं भैया जितना घर में दोनों के मुंह से सुन के आई हूँ तो, और सलमान सर के मुंह से भी, तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। यस 3 महीने पहले जब मुनव्वर को अप्रोच किया था तो उस दौरान मेकर, जो अगेन मुनव्वर ने बोला अन ऑन कैमरा बोला, तो मेकर्स कुड हैव डिनाइड इट, कि मेकर्स ने बोला था भाई अगर तुम किसी और सेलेब को जानते हो तो लेट अस नो, सिंस वी आर सिलेक्टिंग आर कंटेस्टेंट्स वी लाइक टू कंसिडर, अगर तुम्हारी नजर में कोई है डिजर्विंग, तो उस दौरान मुनव्वर की और इनकी बात हुई थी, बट देन फिर इनका कुछ जो भी अनबन हुई एंड वो बात कभी आगे गई नहीं, मतलब कभी भी आयशा ने मेकर्स से बात की नहीं, वो बात हुई नहीं, जो आयशा भी बोलती है और जो मेकर्स ने भी कहीं भी कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं दिया है। सो दिस हैज नॉट हैपेंड, इट इज नॉट बीन अ प्लान्ड स्ट्रेटजी फॉर हर टू कम इन द हाउस,
बट वॉट एवर, अभी आयशा जो बोल रही है कि उन्हें बैकलैश मिल रहा था, हेट मिल रही थी, जिस वजह से उन्होंने पॉडकास्ट किया और जिस वजह से वट एवर हैपेंड एंड शी वॉन्टेड टू कॉल हिम आउट पब्लिकली, तो बिग बॉस से बेटर प्लेटफॉर्म क्या ही हो सकता है. तो वेन शी गॉट द अपॉर्चुनिटी, शी चोज द अपॉर्चुनिटी टू गेट हर अपॉलोजी, शी गॉट द अपॉलोजी एंड देन शी वॉज प्लेइंग चिड़िया उड़ विद मुनव्वर. और अगर उस जगह मुनव्वर की जगह आप भी होती, या आप होते, या मैं होती, तो हम तीनों की साइकी ये होती कि बॉस ये मामला शांत रहे फॉर वट एवर रीजंस. आई वुडन्ट वांट कि अगर मैं मुनव्वर की जगह होती तो ये उछले. आई वुड प्ले सेफ, आई वुड रियली प्ले सेफ. एंड आई डोंट थिंक मुनव्वर ने ऐसी कोई अजीब सी हरकत की है जो हम में से कोई ना करता. बॉस अ लॉट इज एट स्टेक, एंड ओवर वॉट, अ रिलेशनशिप जिसका कमिटमेंट भी नहीं था. डू आई फील फॉर दैट गर्ल? येस आई फील फॉर दैट गर्ल, बट सॉरी आई क्वेश्चन द सेंसिबिलिटी ऑफ दैट गर्ल ऑल्सो. मतलब यार आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? मुनव्वर फारूकी एक सिलेब है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, फेमस है, जो भी है, जो भी उनका प्रोफाइल ऑफ वर्क क्राफ्ट जो भी है, आप उसकी चकाचौंध में आप बोलते हो कि भाई मुझे तुम पे 100% विश्वास है. क्यों? कौन है मुनव्वर फारूकी जो आपने देखा है? जो है उसे तो जान लो. मे बी ही इज अ वंडरफुल पर्सन एंड यूड वॉन्ट टू स्पेंड योर लाइफ. मे बी यूल फील दैट नो बॉस, दिस इज नॉट अ समवन आई वॉन्ट टू इंडल्ज माई सेल्फ विथ. क्या जल्दबाजी थी उस लड़की को? एज अ सेंसिबल पर्सन अगर मैं मुनव्वर को गलत बोल रही हूँ, और अगर वो मेरी मेरी नीस भी उस उम्र की है, मेरी बहन की बेटी, तो मैं उनको भी ये बोलती हूँ टेक इट इजी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से. इफ यू लाइक समबडी गेट टू नो दैट पर्सन. अभी सॉरी होना से बेटर है कि आराम से जान लो कि बाद में कभी तुम जिंदगी में सॉरी हो कि मैंने ये किया क्यों, जो आज आप हो रही हो, तो तब वक्त क्यों नहीं दिया उस रिश्ते को. बेसिकली जो सलमान सर ने पूछा था और जो सबने कहा था कि वो घर में फेम के लिए ही आई है, और सबने बोला हम ऐसा नहीं करते, पर उन्होंने किया. जो सलमान सर ने कहा ये गलत नहीं है यार, इट्स अ ब्लडी बिग. जो अनुराग, मेरी बात भी हुई थी, तो अनुराग ने बोला आपको क्या लगता है ये इधर यू नो बिग बॉस प्लेटफॉर्म. मैंने कहा क्यों नहीं यार, कौन छोड़ेगा यार इस प्लेटफॉर्म को, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म यार, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. मुझे मेरी फेम और बढ़ेगी, मुझे काम और मिलेगा, यू नो इट्स अ वे अप फ्रॉम हियर, व्हाई वुड आई नॉट वांट टू कम हियर. मुझे गलत नहीं लगता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ एम्बैरेसिंग समबडी पब्लिकली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्या मैं वो करती इस अपॉर्चुनिटी के लिए? नहीं, दैट्स ऑन मी. जो नाज़िला ने किया, शी सेड आई डोंट वांट टू गो देयर. मैंने एक्चुअली एक पॉइंट पे आयशा को भी बोला था, मुझे याद आ रहा है कि आयशा तमाशा किसका बनता है? उसका. पहले तो अपना तमाशा बनाओगे, फिर तो उसको तमाशे में खड़ा करोगे ना. तुम वही करने आई हो, अपना तमाशा तुमने पहले बनाया, अब तुम उसका तमाशा बना रही हो. सो देन डील विद इट. ओके, एक छोटा सेगमेंट है, मैं आपको सारे कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी एंड आपको उनको एक एडवाइस देनी है जो आपको लगता है. एडवाइस? या बिग बॉस से पूछ लो, एडवाइस देना अलाउड है कि नहीं? इसी एडवाइस में मुझे. अब आप बाहर है, आप दे सकते हो. ईशा, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, और तुम्हें ये चीटिंग, झूठ बोलना, दूसरे की फीलिंग्स को रौंद के आगे बढ़ के जाने की जरूरत नहीं है. तुम काफी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, एंड प्ले फेयर, आई एम श्योर यू विल विन. समर्थ, जितना बोलू कम है, रहने दो. फिर भी एक कोई एक वर्ड में अगर उससे कुछ बोलना होगा. नहीं, आई डोंट वांट, नॉट वर्थ माय ओपिनियन. विक्की, विक्की मस्त है, बस गेम के लिए कुछ भी कर सकता है, जो खुद उसने बोला है. बेसिकली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो उसने बोला है. तो आई थिंक ही इज वेरी क्लियर. बट क्या ये चीज ऐसे मॉरल्स पे रहकर जीत मिलनी चाहिए? तो नहीं मिलनी चाहिए. बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू विकी, आई थिंक ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. अंकिता, बी रियल. अंकिता, बी रियल.
कभी ये कभी वो कभी ये वो, क्या प्रोजेक्शन डाल रही हो यार, जो हो वो रहो, तुम बहुत अच्छी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम में ऐब और खामियां नहीं है, जो है वो दिखाओ यार, डर किस बात का, खुद की पर्सनालिटी से डरती हो। अरुण अरुण जी थोड़ा धीरे बात किया कीजिए, आप बहुत चिल्ला के बात करते हैं। औरा 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 इज स्वीट, औरा इज ऑन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, औरा इज एन इंटरनेशनल कोलैब प्रोजेक्ट फॉर डेफिनेटली बिग बॉस, दैट्स इट। मुनव्वर बाइस्ड हूँ मैं और वो मेरा दोस्त है एंड आई लव हिम। मनारा ड्रामा क्वीन टोटली, झूठ टोटली, मतलबी टोटली, एक तरफा दोस्ती टोटली, अटेंशन सीकर टोटली, फेक येड़ा बन के पेड़ा खाती है। आयशा आयशा आई रियली डोंट नो, आई डोंट हैव मच टू से अबाउट हर, बट आई फील बैड, बट यू आर एन अपॉर्चुनिस्ट और आपने अपॉर्चुनिटी उठाई, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट एटलीस्ट एक्सेप्टेड की ठीक है, मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली और मैंने अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए किया, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, वट एवर यू फेल्ट ये है ये है, सो अपॉर्चुनिस्ट। लास्टली अभिषेक, मैं जट यमला पगला दीवाना, बट मेरा मतलब आई लव हिम, ही इज क्यूट यार, वो खामखा शोर नहीं मचाता, लोग चाहते हैं कि वो करे, दे प्रोवोक हिम। रेणुका जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।